मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वह मानव शास्त्र का बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, जिसे हम संस्कृति कहते हैं। संस्कृति, जिसका कि मानव शास्त्र में एक अलग अर्थ है, बोलचाल की भाषा में उसे अलग अर्थ में लिया जाता है, इसलिए हम आज यहाँ पर संस्कृति का मानव शास्त्रीय अर्थ, उसकी परिभाषा और मनुष्य ही संस्कृति का निर्माता है, या हम यह कहें कि मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो अपनी संस्कृति का निर्माण करता है, जिसकी चर्चा करेंगे। और इसके साथ साथ हम संस्कृति की उन सारी विशेषताओं को भी समझने का प्रयास करेंगे, जिनमें प्रमुख जो विशेषताएं बताई गई हैं कि संस्कृति मानव निर्मित हैं, संस्कृति सीखी जाती है, संस्कृति हस्तांतरित होती है, प्रत्येक समाज की अपनी एक अलग विशिष्ट संस्कृति होती है, संस्कृति मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, संस्कृति में अनुकूलन की भावना होती है, संस्कृति प्रत्येक समूह की अपनी आदर्श होती है, साथ में संस्कृति में सामाजिक गुण भी निहित होता है, संस्कृति में संतुलन और संगठन भी होता है, संस्कृति मानव व्यक्तित्वों के निर्माण में मौलिक है, और संस्कृति अधिवैयक्तिक और अधिसावयवी भी है। इसके साथ साथ हम लोग आज जिस विषय पर बात करेंगे वो समाज और संस्कृति के संबंध की भी बात करेंगे कि किस प्रकार से समाज संस्कृति का निर्माण करता है और संस्कृति समाज में बनती है। संस्कृति जो कि मानव निर्मित है, और मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो अपनी संस्कृति का निर्माता कहलाता है। संस्कृति का प्रयोग अनेक अर्थों में किया गया है। जैसे साहित्यकार संस्कृति को सामाजिक आकर्षण एवं बौद्धिक श्रेष्ठता के रूप में लेते हैं, तो कहीं पर इसे प्रकाश एवं कोमलता के रूप में भी वर्णित किया जाता है। प्रसिद्ध समाजशास्त्री सोरोकिन व अन्य विचारकों ने इसे मानव की नैतिक, आध्यात्मिक एवं बौद्धिक उपलब्धियों के रूप में वर्णित किया है और कहा है संस्कृति इनसे स्पष्ट होती है। पर अनेक बार हम लोग जब संस्कृति की बात करते हैं तो इसे सुसंस्कृत या संस्कारवान बनने की प्रक्रिया के रूप में भी लेते हैं, जो कि सामान्य बोलचाल में तो सही है, परंतु जब समाजशास्त्र और मानव शास्त्र में हम संस्कृति शब्द की व्याख्या करते हैं तो इन सामान्य अर्थों से अलग इसकी व्याख्या होती है। और इसके लिए प्रमुख मानव शास्त्री एडवर्ड बी टाइलर, जिन्होंने एक बहुत अच्छी पुस्तक लिखी प्रिमिटिव कल्चर, उस पुस्तक में टाइलर ने जो संस्कृति की परिभाषा दी वह इस प्रकार है। टाइलर कहते हैं कि संस्कृति एक जटिल समग्र है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, आचार, कानून, प्रथा और ऐसी अनेक क्षमताओं एवं आदतों का समावेश है जो मनुष्य समाज का एक सदस्य होने के नाते प्राप्त करता है। अगर हम इस परिभाषा की व्याख्या करें तो हम ये कह सकते हैं कि जो कुछ मनुष्य के पास है, चाहे उसके धर्म हो, चाहे प्रथाएं हो, चाहे परंपराएं हो, चाहे रूढ़ियां हो, चाहे उसकी वेशभूषा हो, चाहे उसका ज्ञान हो, चाहे उसका विश्वास हो, चाहे कुछ भी हो, जो कुछ मनुष्य, व्हाट ए मैन हैज इज हिज कल्चर, वही उसकी संस्कृति है। और यह मनुष्य जब समाज का सदस्य बनता है तभी उसे प्राप्त करता है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि जन्म के साथ ही हमको संस्कृति नहीं मिलती है, संस्कृति में पैदा होते हैं पर संस्कृति के साथ नहीं होते। यह संस्कृति हम समाज में रहकर सीखते हैं और जो कुछ सीखते हैं वही हमारी संस्कृति है। इसी तरह मजूमदार और मदन्ने, एक बहुत ही सुंदर और हम उसको कहें कि सेल्फ एक्सप्लेन्ड डेफिनेशन अगर दी है तो वो अपनी पुस्तक एन इंट्रोडक्शन टू सोशल एंथ्रोपोलॉजी, जिसका कि हिंदी अनुवाद भी है, सामाजिक मानव शास्त्र की रूपरेखा में एक लाइन में ही संस्कृति को समझा दिया। मजूमदार और मदन कहते हैं कि
कि संस्कृति क्या है, मनुष्य के जीने का एक ढंग है, द वे ऑफ लाइफ ऑफ ए मैन। जैसे मनुष्य जीता है, जैसे मनुष्य रहता है, वही उसकी संस्कृति, यानी उसके खाने का तरीका, उसके बैठने का तरीका, उसके पहनने का तरीका, उसके व्यवहार का तरीका, उसके सोचने का तरीका, ये सब जो कुछ है, जो मनुष्य के पास है, वही मनुष्य की अपनी संस्कृति है। तो मानव शास्त्र में मजुमदार और मदन ने कहा कि द वे ऑफ लाइफ ऑफ ए मैन इज हिज कल्चर, यानी मनुष्य के रहन सहन का तरीका ही उसकी संस्कृति है। इसी तरह हर्शकोविट्स ने दो पुस्तकें लिखी, एक उसकी मैन एंड हिज वर्क्स और दूसरा कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, जिसमें संस्कृति की बहुत ही सुंदर व्याख्या प्रस्तुत की और कहा कि संस्कृति क्या है। संस्कृति मानव निर्मित है और पर्यावरण का एक भाग है, यानी दो बातें उस परिभाषा में बताई है कि संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है। इस परिभाषा में हर्शकोविट्स कहते हैं, पहली बात कि संस्कृति मानव निर्मित है, यानी मनुष्य ही संस्कृति बनाता है, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे कि मनुष्य ही कैसे संस्कृति का निर्माता बना। लेकिन साथ में वो कहते हैं कि मनुष्य संस्कृति बनाता है, लेकिन अपने पर्यावरण को देखकर। जब पर्यावरण की बात करते हैं तो पर्यावरण जो उसको घेरे हुए है, वही उसका पर्यावरण है, और जिस पर्यावरण में वो रहता है, वह उसकी संस्कृति उसी तरह की बनती है। जैसे हम लोग राजस्थान में रहते हैं तो राजस्थान की अलग कल्चर है, क्योंकि यहाँ का पर्यावरण अलग है। यहाँ से हम आगे जाएँ गुजरात तो गुजरात में अलग कल्चर है। हम महाराष्ट्र में जाएंगे तो वहाँ की संस्कृति अलग है। इसी तरह बंगाल में जाएंगे या साउथ के किसी प्रांत में जाएंगे तो वहाँ की संस्कृति अलग, क्योंकि पर्यावरण जैसा होगा वैसी ही संस्कृति मनुष्य बनाता है। अब जब हम कहते हैं कि मनुष्य ही बनाता है, तो इसके बारे में यह कहा जाता है कि मनुष्य के पास कुछ विलक्षण विशेषताएं हैं, और उन विलक्षण विशेषताओं के कारण ही पूरे एनिमल किंगडम में मनुष्य ने अपनी स्थिति सबसे ऊपर बना ली, और इसका मूल कारण उसकी संस्कृति है। जिन विशेषताओं की हम बात करते हैं, उनमें सबसे पहली जो विशेषता है वो मनुष्य के सीधे खड़े होने की क्षमता, स्वतंत्रता पूर्वक घुमाए जा सकने वाला हाथ, तीक्ष्ण एवं केंद्रित की जा सकने वाली आंखें, मेधावी मस्तिष्क, प्रतीकों के निर्माण की क्षमता, ये सारी की सारी बातें हैं जिसकी हम चर्चा अलग से करें। और अगर मैं कहूँ कि इन सारी विलक्षण विशेषताओं के कारण ही मानव संस्कृति का निर्माता बना है, उसमें सबसे पहली जो बात है कि मनुष्य के पास एक क्षमता है, और वह है सीधे खड़े होने की क्षमता, यानी वो अपने दो पैरों के बल पर खड़े हो सकता है। और कोई भी पशु पक्षी या प्राणी जगत में प्राणी दो पैरों पर भले ही सर्कस में खड़ा हो जाए, कुछ समय के लिए खड़ा होकर दिखा दे, लेकिन वह अपने बच्चों को नहीं सिखा सकता, जबकि हम अपने बच्चों को ये सब सिखा सकते हैं कि दो पैरों पर खड़े होकर हम दो हाथों को स्वतंत्र छोड़ देते हैं, जिससे बहुत सारे काम हम लोग कर सकते हैं। इसीलिए कहा गया है कि दूसरी विशेषता में स्वतंत्रता पूर्वक घुमाए जा सकने वाला हाथ, ये हाथ की बनावट ऐसी विचित्र है जो प्राणी जगत में किसी पशु पक्षी के पास नहीं है। इसको हम कहते हैं सभी दिशाओं में घुमाए जा सकने वाला हाथ, और हाथ में भी हथेली और हथेली में अंगूठा, ये ऐसी विचित्र विशेषता है कि जो उसके मस्तिष्क में विचार आता है वही हाथों के द्वारा वो परिणति में रूप बदल सकता है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो मनुष्य के पास एक क्षमता और है, और वह है तीक्ष्ण और केंद्रित की जा सकने वाली आँखें, यानी मनुष्य की जो आँखों की बनावट है वो इतनी विचित्र है कि हम एक स्थान पर अपनी आँखों को केंद्रित कर सकते हैं, जबकि सारे पशु पक्षियों की आँखें घूमती रहती है, लेकिन मानव की एक स्थान पर हम फोकस कर सकते हैं आँखों को, और उससे हमारे दिमाग में नए विचार उत्पन्न होते हैं। इसी तरह की एक विशेषता और है, और वह है हमारा मेधावी मस्तिष्क। हम कई बार कहते हैं ना पशु पक्षी सबके पास मस्तिष्क होता है, तो मानव के पास भी है, तो फिर ऐसी क्या विचित्र बात है मनुष्य के मस्तिष्क में और अन्य पशु पक्षियों के मस्तिष्क में। तो हम कह सकते हैं कि मानव मस्तिष्क में सोचने, समझने, तर्क वितर्क और परिस्थितियों के अनुकूल अपने को ढाल लेने की क्षमता है, और यह विचित्र मस्तिष्क मानव के पास ही है, इसलिए मानव संस्कृति का निर्माण कर सकता है।
इसी तरह एक विशेषता और है, और वह है प्रतीकों के निर्माण की। उसकी अगर सरल भाषा में बात करें तो वह है भाषा। और कई बार हम भाषा शब्दों के द्वारा जो प्रस्तुत करते हैं अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए, इसका निर्माण मनुष्य ही करता है। हमारे पास अपनी बोली है, आप कहेंगे साहब बोली तो पशु पक्षियों के पास भी है, जैसे गाय की अपनी बोली है, बिल्ली की अपनी है, कुत्ते की अपनी है, वो बोली जरूर है, परंतु वह उनकी वंशानुगत विशेषता है। और मनुष्य की जो बोली है यह उसकी वंशानुगत विशेषता नहीं, यह उसका सीखा हुआ व्यवहार है। और हम अपने प्रतीकों का निर्माण स्वयं कर सकते हैं। जैसे हम कई बार प्रतीक से बहुत कुछ बातें कह सकते हैं, जैसे समय की बात हम हाथ पर कहते हैं कि तुरंत कहेगा, इसी तरह हम लोग कहेंगे कान के ऊपर हाथ रखकर समझ जाएंगे टेलीफोन की बात कर रहे हैं हम लोग। तो बहुत सारे हमने प्रतीक बना लिए, और ये प्रतीक कई बार सही परिप्रेक्ष्य में हमारे विचारों का संप्रेषण करते हैं दूसरे व्यक्ति तक, और यह क्षमता हम लोगों में ही है। इन सारी विशेषताओं का, जिनको विलक्षण विशेषताएं कहते हैं, ये मानव के पास है। इसलिए मानव ही संस्कृति के निर्माता के रूप में जाना जाता है, और उसने अपनी पूरी की पूरी स्थिति सबसे ऊपर बना ली पूरे प्राणी जगत में, और इसका कारण ये विलक्षण विशेषताएं हैं। जब हम संस्कृति की बात करते हैं तो संस्कृति की अपनी कुछ विशेषताएं भी हैं, और उसमें सबसे पहली विशेषता यही है कि संस्कृति मानव निर्मित है, यानी मनुष्य ही संस्कृति बनाता है, और कोई पशु पक्षी संस्कृति नहीं बना सकता। जिसकी चर्चा भी मैंने की कि हमारे पास मेधावी मस्तिष्क है, हमारे पास सीधे खड़े होने की क्षमता है, हमारे पास स्वतंत्रता पूर्वक घुमाए जा सकने वाला हाथ, हथेली और अंगूठा है, हमारी तीक्ष्ण और एक स्थान पर केंद्रित की जा सकने वाली आँखें हैं, और इसके साथ हमारी भाषा है। इन सब के कारण ही मनुष्य संस्कृति का निर्माता कहलाता है। इसी तरह हम दूसरी विशेषता की बात करें तो संस्कृति सीखी जाती है। संस्कृति हमको जन्म के साथ ही नहीं मिल जाती है। नाक नक्श, रंग रूप और शरीर की बनावट, ये तो हमें वंशानुगत विशेषताओं के तौर पर माता पिता से प्राप्त हो जाती है, लेकिन संस्कृति में पैदा होते हैं, संस्कृति के साथ नहीं होते। यानी संस्कृति में पैदा होते हैं, उसी संस्कृति में रहकर हम संस्कृति को सीखते हैं, और इसमें हमारी एक विशेषता है, वो है सीखने की क्षमता। हर मनुष्य में एक क्षमता होती है, और वो होती है सीखने की, दैट इज लर्निंग कैपेसिटी। और उस सीखने की क्षमता से हम प्रस्फुटित करते हैं समाज में रहकर, और संस्कृति को सीखते जाते हैं, जिसमें हमारे परिवार के लोग, हमारे पड़ोस, हमारा मित्र, हमारी स्कूल और हमारे हम उम्र, ये सब हमको सिखाने में अपना योगदान देते हैं, और उसी संस्कृति को हम सीखते हैं। और सीखते हैं तो हम अपने तक ही सीमित नहीं रखते, इसके आगे की एक विशेषता और है कि संस्कृति हस्तांतरित होती, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचती है, क्योंकि संस्कृति में सीखने का जो गुण है उसके साथ हस्तांतरण का भी गुण है, कि जो संस्कृति मैंने सीखी है उसको मैं अपने तक ही सीमित नहीं रखूंगा, मैं अपने बच्चों को सिखाऊंगा, बच्चे अपने बच्चों को सिखाएंगे, और यह संस्कृति पीढ़ियों तक चली जाती है, क्योंकि संस्कृति में हस्तांतरण का गुण भी है। इसके साथ अगर हम नेक्स्ट विशेषता की बात करें तो संस्कृति प्रत्येक समाज की एक अलग विशिष्ट संस्कृति होती है। इसका तात्पर्य यह है कि हर समाज की अपनी आवश्यकताएं हैं, हर समाज में रहने वालों की अपनी अपनी आवश्यकताएं हैं, और उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही हर व्यक्ति अपने समाज के पर्यावरण को देखकर, अपने समाज में रहने के बाद आवश्यकताओं को पूर्ण करने के रूप में अपनी अलग संस्कृति बनाता है, और वह संस्कृति उस समाज विशेष की एक विशिष्ट पहचान बनती है। जैसे हम लोग भारत में रहते हैं तो हमारे भारत की अपनी अलग पहचान है। हम कहते हैं अतिथि देवो भव, यानी अतिथियों का सत्कार करना हमारी अपनी परंपरा है, ये हमारी संस्कृति है। बड़ों का सम्मान करना, बड़ों के पैर छूना, चरण स्पर्श करना, ये हमारी पहचान है, ये हमारी संस्कृति है। तो हम कहते हैं ये अपनी भारत की अपनी विशिष्ट पहचान है, विश्व के और देशों में उनकी अपनी पहचान होगी। जैसे अमेरिका में जाएंगे तो वहाँ हाथ मिलाने की अपनी संस्कृति है, हमारे यहाँ बड़ों के साथ हाथ न मिलाकर उनके पैर छूने की संस्कृति है। तो हर समाज की अपनी अलग
संस्कृति होती है। संस्कृति की एक और विशेषता कि संस्कृति मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है। और वह इस रूप में कि चूंकि संस्कृति मनुष्य बनाता है, और जब मनुष्य बनाता है तो वो क्यों बनाता है, क्योंकि उस संस्कृति से मनुष्य की कोई ना कोई आवश्यकता की पूर्ति होती है। और जब तक वह संस्कृति उस व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति करता रहेगा, तब तक मनुष्य उस संस्कृति का निर्माण करता रहेगा। और जिस दिन वह संस्कृति मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाएगी, वह संस्कृति वहीं पर समाप्त हो जाएगी। इसलिए फिर हम दूसरी संस्कृति बनाएंगे। तो जब तक संस्कृति है, कोई ना कोई हमारी उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। जैसे हम परिवार या विवाह या नातेदारी या धार्मिक समूह या आर्थिक समूह जैसे समूह का निर्माण किए हैं, तो हमारी कोई ना कोई आवश्यकता की पूर्ति करता है। और ये तब तक करते रहेंगे जब तक वो हम उसे अपने साथ जोड़े रखते हैं, या हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति उसे होती रहती है, तब तक वह संस्कृति हमारे साथ है, उसके बाद नहीं। तो अलग, जैसे ब्लैक एंड वाइट टीवी जब भारत में आया तो कई लोगों के पास था, लेकिन धीरे धीरे कलर आ गया तो ब्लैक एंड वाइट की हमारी इम्पोर्टेंस ख़त्म हो गई और हमने उसको बंद कर दिया। अब किसी के घर में ब्लैक एंड वाइट टीवी नहीं होगा, सब कलर टीवी देखते हैं। कलर में भी पहले बड़े बॉक्स की तरह आए, उसके बाद एलईडी आया। इस तरह से धीरे धीरे आवश्यकताएं बदलती गई और हमने अलग अलग संस्कृति के रूप में इनका निर्माण किया, क्योंकि संस्कृति मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। उसके बाद संस्कृति में अनुकूलन की क्षमता भी होती है। यह विशेषता एक मानव की अपनी अलग पहचान है और इस रूप में है कि संस्कृति में अनुकूलनता होती है। अनुकूलनता का मतलब है कि जब हम जिस जगह जाएंगे वहाँ की संस्कृति के साथ हमारा तालमेल हो जाता है। जैसे मैं राजस्थान का व्यक्ति हूँ और मैं मुझे काम के लिए गुजरात जाना पड़े और वहीं रहना पड़े, तो धीरे धीरे मैं कुछ गुजराती संस्कृति के तत्व सीख लूँगा और कुछ अपनी राजस्थानी संस्कृति के तत्वों को सिखा दूँगा। इन दोनों के बीच जो तालमेल होगा वह अनुकूलन, ताकि मैं अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति वहाँ जाकर कर सकूँ और अपनी संस्कृति के तत्वों को उनकी संस्कृति के साथ मिलाकर उनके बीच तालमेल सामंजस्यता स्थापित कर सकूँ। ये संस्कृति की अपनी पहचान है। इसी आधार पर हम कह सकते हैं संस्कृति में अनुकूलनता भी पाई जाती है। संस्कृति की अगली विशेषता यह है कि संस्कृति समूह के लिए आदर्श होती है। एक समूह के लोग अपनी संस्कृति को आदर्श मानते हैं और वे उसके अनुसार अपने व्यवहारों एवं विचारों को ढालते हैं। जब दो संस्कृतियों की तुलना की जाती है तो एक व्यक्ति दूसरों की संस्कृति को अपनी संस्कृति से आदर्श नहीं मानता, खुद की ही संस्कृति को श्रेष्ठ मानता है। इसका तात्पर्य हुआ कि जिस संस्कृति को हमने सीखा है, जिस संस्कृति को हमने हस्तांतरित किया है और जिस संस्कृति का हमने निर्माण किया है, वह संस्कृति हमारे लिए आदर्श है। और आदर्श का मतलब यह कि हम अपनी संस्कृति को दूसरों की संस्कृति से श्रेष्ठ मानेंगे और अपनी संस्कृति को उससे बड़ा चढ़ाकर बताने की कोशिश करेंगे कि हमारी संस्कृति में ये अच्छाई है, हमारी संस्कृति में ये अच्छाई, क्योंकि ये हमारे लिए आदर्श है। उसके बाद नेक्स्ट जो विशेषता बताई गई है संस्कृति की मानव शास्त्र में, वो है कि संस्कृति में सामाजिक गुण निहित होता है। संस्कृति किसी व्यक्ति विशेष की देन नहीं है, बल्कि ये संपूर्ण समाज की देन होती है। समाज के अभाव में संस्कृति की कल्पना ही नहीं की जा सकती। कोई भी संस्कृति व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व नहीं करती, बल्कि समाज का प्रतिनिधित्व करती है। इसका तात्पर्य है कि संस्कृति बनाता कौन है? हम कहेंगे संस्कृति मानव बनाता है। तो मानव कैसा प्राणी है? तो मानव सामाजिक प्राणी है, क्योंकि समाज में रहता है। और संस्कृति बनाता कहाँ है? कि समाज में बनाता है। तो जो चीज़ समाज में बनेगी, जो सामाजिक प्राणी के रूप में जो निर्माता है और जिससे वह अपनी सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, तो वह संस्कृति में अपने आप सामाजिक गुण आ जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि समाज में ही संस्कृति बनती है और इसलिए संस्कृति में सामाजिक गुण निहित होता है। अगली विशेषता के रूप में जो कहा गया है कि संस्कृति में संतुलन और संगठन होता है। संस्कृति का निर्माण विभिन्न इकाइयों से मिलकर होता है। सांस्कृतिक इकाइयाँ, जिन्हें हम संस्कृति तत्व, संस्कृति संकुल एवं संस्कृति संपूर्णता कहते हैं, वे सभी एक दूसरे से जुड़े रहते हैं,
बंधे रहते हैं, जिसके कारण उनमें संतुलन व संगठन बना रहता है। इस विशेषता का मूल अर्थ अगर हम समझना चाहें तो एक उदाहरण से हम इसको समझ सकते हैं। जैसे मानव शरीर अपने आप में अखंड नहीं है, ये अनेक छोटे छोटे अंगों से मिलकर बना है, उसी प्रकार संस्कृति भी अपने आप में अखंड नहीं है, ये छोटे छोटे अंगों से मिलकर बनती है और ये छोटे छोटे अंग सांस्कृतिक तत्व कहलाते हैं। जब ये तत्व मिलते हैं तो एक अंग का जो निर्माण होता है उसे सांस्कृतिक संकुल कहते हैं। जैसे मानव शरीर में एक हाथ है और हाथ भी छोटे छोटे तत्वों से मिलकर बनता है, तो ऐसे दो हाथ, फिर दो पैर, फिर पूरे शरीर के अलग अलग अंग का निर्माण इन छोटे छोटे तत्वों से होता है, उसी तरह संस्कृति भी छोटे छोटे तत्वों से मिलकर एक अंग का निर्माण करती हैं, वे सारे अंग मिलकर एक संस्कृति का निर्माण करते हैं। इसलिए तीन अंग हो गए संस्कृति के, संस्कृति तत्व, संस्कृति संकुल और संस्कृति संपूर्णता। इन तीनों के बीच तालमेल होता है और इसी तालमेल से ही हम कहते हैं कि संस्कृति में संतुलन और संगठन पाया जाता है। उसके बाद संस्कृति मानव व्यक्तित्वों के निर्माण में मौलिक है। संस्कृति मानव का पालन पोषण करती है। जन्म के बाद बच्चा अपनी संस्कृति को सीखकर उसे आत्मसात करता है। यही संस्कृति उस व्यक्ति के व्यक्तित्व के निर्माण में भी सहायक होती है। जो हमारी पर्सनालिटी, जिसको हम व्यक्तित्व कहते हैं, ये हमारी संस्कृति से ही बनता है। हमारा व्यवहार, हमारी भाषा, हमारा आचरण, हमारा दूसरे व्यक्ति से अंतर क्रियात्मक पहलू, इन सब के पीछे जो आधार है वो संस्कृति का है। और आज जो कुछ हमारी पर्सनालिटी या व्यक्तित्व का निर्माण होता है उसमें संस्कृति ही मौलिक होती है, क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है वो कच्चा माल है, उस कच्चे माल को फिनिश किया जाता है समाज में, परिवार में, पड़ोस में, मित्र समूह में, स्कूल में, उसके बाद अलग अलग समूह में जब व्यक्ति जाता है तो उसे नई नई चीज़ें सीखने को मिलती है और सीखने के साथ साथ उसको आत्मसात भी करता है, यानी उसको इंटरनलाइज भी करता है। और आत्मसात करने का सीधा मतलब कि समय आने पर उसके जैसा व्यवहार करे, और यही व्यवहार उसके व्यक्तित्व का आईना है कि जो जैसा व्यवहार करेगा हम सीधा कहेंगे इसके परिवार में, संस्कृति में ये सिखाया गया है, इसलिए इसका व्यवहार ऐसा है, इसका व्यवहार ऐसा नहीं है। ये सारी की सारी जो व्यक्तित्व के निर्माण की आधारशिला है वो हमारा परिवार है, और उसी में बच्चा सीखकर संस्कृति के द्वारा अपने व्यक्तित्व का निर्माण करता है। उसके बाद अगली जो विशेषता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता, क्रोबर और क्लखोन, ये दो अमेरिकन मानवशास्त्री हुए जिन्होंने संस्कृति को अधिवैयक्तिक और अधिसावयवी, क्रोबर ने संस्कृति को अधिवैयक्तिक कहा है क्योंकि संस्कृति का निर्माण अकेले व्यक्ति द्वारा नहीं किया जाता बल्कि अनेक व्यक्तियों के द्वारा होता है, परंतु जब संस्कृति का निर्माण हो जाता है तब व्यक्ति श्रेष्ठ नहीं है बल्कि संस्कृति श्रेष्ठ हो जाती है। अधिसावयवी को स्पष्ट करते हुए क्लखोन कहते हैं कि मानव एक सावयव है, जीवित प्राणी है जो संस्कृति का निर्माता कहलाता है या निर्माण करता है, परंतु जब एक बार संस्कृति बन जाती है तो वह सावयव से ऊपर हो जाती है, इसी को अधिवैयक्तिक और अधिसावयव कहते हैं। अब इसी को हम अगर समझना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि ये मानव शरीर जिसको हम सावयव कहते हैं, ये अनेक छोटे छोटे तत्वों से मिलकर बनता है। ठीक उसी प्रकार संस्कृति भी अनेक छोटे छोटे तत्व, जिसकी चर्चा भी हमने की, सांस्कृतिक तत्व, सांस्कृतिक संकुल या सांस्कृतिक संपूर्णता, इनसे होती है। जब एक बार संस्कृति बन जाती है इन तत्वों से तो संस्कृति महान हो जाती है, ये तत्व महान नहीं रहते। जैसे उदाहरण हम दें हम कि कोई व्यक्ति महान व्यक्ति बनता है तो उसके पीछे अनेक व्यक्तियों के विचारों का आधार होता है। कोई व्यक्ति अकेला ये दावा नहीं कर सकता कि मैं ही इसका निर्माता हूँ। जैसे राइट बंधु की बात हम लोग पढ़ते हैं जिन्होंने हवाई जहाज का निर्माण किया, लेकिन क्या वो अकेले दावा कर सकते कि हम ही निर्माता हैं,
उसके पहले कई लोगों ने अपनी जानें गंवाई होंगी। प्रारंभ में व्यक्ति ने पक्षियों को देखकर सोचा होगा कि हम भी उड़ें, और वो पेड़ पर चढ़कर ऊपर से छलांग लगाई होगी, हाथ को हिलाया होगा, जमीन पर धराशायी हुए होंगे, जाने भी गई होंगी। उसके बाद सोचा होगा कि हम पंख लगाकर उड़ें, तो पंख शरीर पर चिपकाए होंगे, ऊपर से छलांग लगाई होगी, पंख नहीं खुले होंगे, गिर गए होंगे। यह सोच बढ़ते 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 आगे आई और राइट बंधु तक आई, और राइट बंधु ने उड़ने का स्वप्न साकार कर दिया। तो किसी एक व्यक्ति की देन नहीं है संस्कृति, और जब मनुष्य संस्कृति बना लेता है तो संस्कृति श्रेष्ठ हो जाती है, व्यक्ति श्रेष्ठ नहीं रहता। इसलिए संस्कृति अधि वैयक्तिक भी है और अधि सावयवी भी है। अब जब हम संस्कृति की इन सारी बातों की चर्चा कर लिए हैं, तो अब एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष यह है मानव शास्त्र में संस्कृति के साथ जुड़ा हुआ, और वह है संस्कृति और समाज। समाज एवं संस्कृति का भी घनिष्ठ संबंध है, यहाँ तक कई बार इनको एक दूसरे का पूरक मान लेते हैं। हर्शकोविट्स कहते हैं कि एक समाज का निर्माण लोगों से होता है, कि वे जिस प्रकार का व्यवहार करते हैं वह उसकी संस्कृति है। समाज के पर्यावरण आवश्यकताओं के आधार पर ही व्यक्ति अपनी संस्कृति का निर्माण करता है, इसलिए समाज व संस्कृति एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इसका तात्पर्य ये हुआ कि संस्कृति हम समाज में बनाते हैं, जैसा हर्शकोविट्स कहते हैं कि मानव निर्मित पर्यावरण का एक भाग है। जैसा पर्यावरण होगा वैसी ही संस्कृति बनती है। संस्कृति किसी शून्य में नहीं बनती है, संस्कृति समाज में बनती है। इसलिए समाज और संस्कृति, इन दोनों के बीच एक घनिष्ठ संबंध है, और हम कई बार इस संबंध के आधार पर ही कह सकते हैं कि समाज के बिना संस्कृति और संस्कृति के बिना समाज अधूरा है, क्योंकि ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जब समाज की बात करेंगे तो संस्कृति उसके साथ है, और संस्कृति की बात करेंगे तो समाज उसके साथ है। इसलिए समाज और संस्कृति एक दूसरे से अभिन्न रूप से जुड़े हुए हैं, और एक दूसरे के साथ मिलकर ही संस्कृति का निर्माण समाज में और समाज में संस्कृति का निर्माण किया जाता है। इस प्रकार से संस्कृति और समाज का घनिष्ठ संबंध है। प्यारे विद्यार्थियों, जो कुछ हमने आज बात की उसको अगर सारांश में मैं प्रस्तुत करूं तो ये होगा कि उपरोक्त विचारों से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि संस्कृति मनुष्य की अमूल्य धरोहर है, और अगर उससे उसकी संस्कृति छीन ली जाए तो मानव व पशु में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। आज मानव मानव है क्योंकि उसके पास उसकी अमूल्य धरोहर संस्कृति है, जिसका निर्माण अपनी विलक्षण क्षमताओं के कारण ही कर पाया है, तथा पूरे प्राणी जगत में अपनी स्थिति को अन्य पशु पक्षियों से उन्नत बना पाया है। यह संस्कृति वह अपने चारों ओर के पर्यावरण के आधार पर तथा अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ही बनाता है, जो दो प्रकार की होती हैं। एक भौतिक संस्कृति जो दिखाई देती है, जैसे मकान है, हवाई जहाज है, कार है इत्यादि, तथा दूसरी अभौतिक संस्कृति है जो दिखाई नहीं देती, जिसमें धर्म, भाषा, प्रथाएं, परंपराएं, रूढ़ियाँ इत्यादि आती हैं। इन सारी बातों से हम यह सारांश निकाल सकते हैं कि मानव शास्त्र में संस्कृति और संस्कृति के साथ मानव शास्त्र दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए। एक बहुत सुंदर कोटेशन दिया जाता है मानव शास्त्र और संस्कृति के संबंध को लेकर, और वह यह है कि संस्कृति के बिना मानव शास्त्र मूल रहित है, और मानव शास्त्र के बिना संस्कृति फल रहित है। यानी विदाउट एंथ्रोपोलॉजी कल्चर इज रूटलेस, एंड विदाउट कल्चर एंथ्रोपोलॉजी इज फ्रूटलेस। इन दोनों एक दूसरे के साथ अभिन्न रूप से जुड़े हुए हैं, इसलिए मानव शास्त्र में संस्कृति की बात करते हैं, और संस्कृति मनुष्य ही बनाता है, और कोई पशु पक्षी संस्कृति नहीं बना सकता, क्योंकि मनुष्य के पास उसकी अपनी विलक्षण क्षमताएं हैं, और उन क्षमताओं के कारण ही वो अपनी संस्कृति बनाता है, और वह संस्कृति उस मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। एक सामाजिक प्राणी होने के नाते वो अपनी सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, जैसे उसकी शारीरिक आवश्यकता थी तो उसने विवाहरूपी संस्था का निर्माण किया, सुरक्षा परवरिश की आवश्यकता थी तो परिवार की
आवश्यकता हुई तो परिवार का निर्माण किया, जब विवाह और परिवार बने तो नातेदारी संबंधों का ताना बाना विकसित हुआ तो वह मनुष्य ने नातेदारी के रूप में विकसित किया। तो जैसे जैसे उसकी आवश्यकताएं बढ़ती गई उसने संस्कृति के तत्वों का निर्माण किया। इसलिए हम कह सकते हैं कि संस्कृति मनुष्य के साथ अभिन्न रूप से जुड़ी हुई है और यह उसकी महत्वपूर्ण धरोहर है, संपत्ति है, और अगर उससे छीन लें हम तो मानव फिर मानव नहीं है, फिर पशु में और मानव में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि जो मैंने आज आपको संस्कृति के संबंध में जानकारी दी आपने उसको अच्छी तरह से समझा होगा कि संस्कृति किस तरह से मानव शास्त्र का एक अभिन्न विषय है।